चुनाव से ठीक पहले दिल्ली सरकार और नए एलजी अनिल बैजल के बीच भी जंग छिड़ने के आसार पैदा हो गए हैं। आज तक कुछ सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक केजरीवाल सरकार ने एलजी दफ्तर पर 97 करोड़ रुपए के विज्ञापन मामले की फाइल लीक करने का गंभीर आरोप लगाया है। सूत्रों के मुताबिक इस बाबत दिल्ली सरकार के मुख्य सचिव को जांच करने को कहा गया है। मुख्य सचिव से कहा गया है कि वो एलजी ऑफिस के अधिकारियों, कर्मचारियों और वहां आने जाने वाले लोगों की कॉल डिटेल से ये पता लगाएं कि कौन फाइलें लीक कर रहा है, दिल्ली सरकार की छवि खराब कर रहा है। केजरीवाल ने एलजी से उन फाइलों की सूची भी मांगी है जो मंत्रियों के बायपास कर सीधे एलजी को भेजी गई। सूत्रों के मुताबिक मुख्य सचिव से पूछा गया है कि उन्होंने क्यों और किस नियम के तहत सीधे एलजी को फाइलें भेजी। सुलखान सिंह होंगे यूपी पुलिस के नए मुखिया। उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार ने एक और बड़ा फैसला लेते हुए डीजीपी जावेद अहमद का तबादला कर दिया है। जावेद अहमद की जगह अब सुलखान सिंह होंगे उत्तर प्रदेश के नए डीजीपी। सुलखान सिंह अभी प्रशिक्षण उप मुख्यालय में तैनात हैं। बांदा के रहने वाले 59 साल के सुलखान सिंह 1980 कैडर के आईपीएस अधिकारी हैं। सुलखान सिंह सिर्फ 4 महीने तक ही उत्तर प्रदेश की कमान संभालेंगे। सुलखान सिंह सितंबर 2017 में रिटायर हो जाएंगे। योगी सरकार ने मौजूदा डीजीपी जावेद अहमद का तबादला कर पीएसी भेज दिया है। जावेद अहमद पीएसी के डीजी का पदभार संभालेंगे। योगी आदित्यनाथ सरकार ने जावेद अहमद के साथ साथ 12 आईपीएस अधिकारियों के तबादले भी किए हैं। एक और बड़ा फेरबदल करते हुए योगी सरकार ने एडीजी लॉ एंड ऑर्डर दलजीत चौधरी का भी तबादला कर दिया है। दलजीत चौधरी की जगह आदित्य मिश्रा को नया एडीजी लॉ एंड ऑर्डर नियुक्त किया गया है। वहीं दलजीत चौधरी को ईओडब्ल्यू के साथ लॉजिस्टिक्स का अतिरिक्त प्रभार सौंपा गया है। भवेश सिंह को इंटेलिजेंस का चीफ बनाया गया है। यूपी में 7 आईएएस अधिकारियों को भी तबादला किया गया है। नोएडा मेट्रो रेल कॉरपोरेशन के एमडी संतोष कुमार यादव को भी हटा दिया गया है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की सुरक्षा और बढ़ा दी गई है। 35 एनएसजी कमांडो की टीम पहले से ही योगी की सुरक्षा में तैनात है। अब एनएसजी की क्यूआरटी यानी क्विक रिस्पांस टीम भी योगी आदित्यनाथ की सुरक्षा में तैनात होगी। खुफिया एजेंसियों के अलर्ट और योगी आदित्यनाथ पर बढ़ते खतरे के मद्देनजर सुरक्षा बढ़ाने का फैसला किया गया है। जम्मू कश्मीर में हिंसा थमने का नाम नहीं ले रही है। घाटी में बढ़ती हिंसा के साथ साथ बीजेपी और पीडीपी के रिश्तों की खाई और गहरी होती जा रही है। कश्मीर घाटी में हिंसा रोकने में नाकामी से बीजेपी खासी नाखुश है। बीजेपी महासचिव राम माधव ने पीडीपी नेताओं को खरी खरी सुनाई। सूत्रों की माने तो पीडीपी को समर्थन जारी रखने पर बीजेपी विचार कर सकती है। बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह जल्द इस मामले पर फैसला ले सकते हैं। 6 राज्यों में चुनाव से पहले कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी ने पार्टी के 35 वरिष्ठ और युवा नेताओं से मुलाकात की। पार्टी के वॉर रूम में हुई इस मीटिंग में राहुल गांधी ने पार्टी नेताओं को जीत का 3K फॉर्मूला सुझाया है। राहुल गांधी ने आगामी चुनाव में नेताओं को कार्यकर्ता, कार्यक्रम और कार्यालय पर फोकस करने का मंत्र दिया है। राहुल ने पार्टी को मजबूत करने के लिए नेताओं को 3K फॉर्मूला पर काम करने को कहा है। मध्य प्रदेश के छिंदवाड़ा में कम्युनिटी सेंटर में लगी भीषण आग से 14 लोगों की मौत हो गई। कम्युनिटी सेंटर में केरोसिन और राशन कार्ड बांटे जाने के दौरान अचानक आग लग गई और देखते ही देखते आग पूरे कम्युनिटी सेंटर में फैल गई और 14 लोगों को अपनी चपेट में ले लिया। आग के कारणों का अभी तक पता नहीं लग सका है। प्रधानमंत्री मोदी ने आग से हुई मौतों पर दुख जताया है। मध्य प्रदेश सरकार ने मृतकों के परिवार को 4-4 लाख की मदद का ऐलान किया है। गोरक्षा के नाम पर गुंडागर्दी की आज तक की खबर पर यूपी पुलिस एक्शन में है। आज तक ने खबर दिखाई थी गोरक्षा दलों से जुड़े हुए लोग कैसे गुंडागर्दी और लूटपाट करते हैं। 2 आरोपियों ने आज तक के कैमरे पर गुंडागर्दी की बात कबूली है। मुरादाबाद पुलिस आज तक के स्टिंग ऑपरेशन में दिखाए गए आरोपियों की पहचान कर रही है। पुलिस ने पहचान के बाद आरोपियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई का भरोसा दिया है। बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह ने आजादी की लड़ाई में विनायक दामोदर सावरकर के योगदान के बहाने कांग्रेस पर तीखा हमला बोला है। मुंबई से सटे ठाणे शहर में सावरकर साहित्य संगोष्ठी में अमित शाह ने कहा कि सावरकर की राष्ट्रभक्ति पर सवाल खड़े करने वालों को पीढ़ियां माफ नहीं करेंगी। कांग्रेस पहले सावरकर को पढ़ ले और उनकी राष्ट्रभक्ति के 100वें हिस्से को अपनाए तो भी उन्हें शायद ही जान पाएगी। मुंबई के माहिम स्थित साइलेंस जोन में लाउडस्पीकरों का इस्तेमाल न करने पर बॉम्बे हाईकोर्ट ने माहिम पुलिस को नोटिस भेजा है। गौरतलब है कि माहिम का मशहूर दरगाह साइलेंस जोन में आता है। हर साल यहां 10 दिन तक चलने वाले उर्स में लाउडस्पीकरों से घोषणाएं होती रहती हैं। इसे लेकर माहिम थाने में शिकायत दर्ज कराई गई थी लेकिन पुलिस ने एक्शन नहीं लिया, जिस पर शिकायतकर्ता ने कोर्ट में गुहार लगाई। मुंबई में इलाज करा रही दुनिया की सबसे भारी महिला का वजन 250 किलो तक घट गया है। करीब 2 महीने पहले तक मिस्र की 36 वर्षीय ईमान अहमद का वजन 500 किलो के करीब था। ईमान का वजन अब करीब आधा हो चुका है। हालांकि अभी भी वो व्हीलचेयर में फिट नहीं हो पा रही है और लंबे समय तक बैठने में उसे दिक्कत होती है। ईमान का इलाज मुंबई की चन्नी रोड स्थित सैफी अस्पताल में चल रहा है। मुंबई के फोर्ट इलाके में बैंक ऑफ इंडिया की बिल्डिंग में कल शाम आग लगने से अफरातफरी मच गई। जिस बिल्डिंग में आग लगी वो मुंबई हाईकोर्ट के सामने है। दमकल की 4 गाड़ियों और 3 वाटर टैंकर को आग बुझाने में काफी मशक्कत करनी पड़ी। आग से नुकसान का अनुमान लगाया जा रहा है। डेंगू चिकनगुनिया को लेकर दिल्ली हाईकोर्ट ने दिल्ली सरकार, एमसीडी, रेलवे और कैंटोनमेंट बोर्ड को नोटिस जारी किया है। हाईकोर्ट ने इस मामले का स्वतः संज्ञान लेते हुए कहा है कि सभी सुनिश्चित करें कि हर हाल में डेंगू चिकनगुनिया मलेरिया को दिल्ली में रोकने के प्रयास अभी से शुरू किए जाएंगे। हाईकोर्ट ने नोटिस में बीमारियों के रोकथाम के लिए उठाए गए कदमों की जानकारी मांगी है। इस मामले में अगली सुनवाई 1 मई को होगी।
दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने हथियारों की खरीद फरोख्त करने वाले गिरोह का पर्दाफाश किया है। पुलिस ने तैयब नामक आरोपी को हथियारों की खेप के साथ हरकेश नगर से गिरफ्तार किया है। आरोपी मध्य प्रदेश से हथियार बेचने दिल्ली आया था। 26 साल का तैयब गुजरात में कबाड़ी का काम करता था। दिल्ली के भारत नगर थाना क्षेत्र में बदमाशों के हमले से बचने के लिए युवक ने जब हाथ बढ़ाया तो चॉपर की वार से उसका हाथ कटकर अलग हो गया। ये विचलित कर देने वाली सनसनीखेज वारदात वजीरपुर जेजे कॉलोनी के एक पार्क में सरेआम हुई। बताया जाता है कि 25 साल का धर्मेंद्र पार्क में अपनी गर्लफ्रेंड के साथ बात कर रहा था, तभी बदमाशों ने उस पर लाठी डंडे और चाकुओं से हमला कर दिया। पुलिस ने इस मामले में कुछ आरोपियों को गिरफ्तार करने का दावा किया है। एमसीडी चुनाव से एक दिन पहले दिल्ली के अलग अलग इलाकों से अवैध शराब पकड़ी गई है। आउटर दिल्ली के रनहोला इलाके में शुक्रवार देर रात शराब से भरी एक सेंट्रो कार पकड़ी गई। कार और उसके ड्राइवर को स्थानीय लोगों ने धर दबोचा, लेकिन जब तक पुलिस पहुंची आरोपी ड्राइवर फरार होने में कामयाब हो गया। उधर दक्षिण दिल्ली के आरकेपुरम और रजकपुर इलाके से 71 कार्टन शराब बरामद हुई है। पुलिस ने दोनों मामलों में एक एक आरोपी को पकड़ा है। मथुरा में कथित रूप से पैसे के लेनदेन के झगड़े में एक सिपाही जख्मी हो गया। जानकारी के मुताबिक पुलिस वाले कैदी को पेशी के लिए कचहरी ले गए थे, वहीं दारोगा और एक सिपाही में झड़प हो गई। आरोप है कि दारोगा के हमले में सिपाही का सिर फूट गया। सिटी एसपी ने पूरे मामले की जांच के आदेश दिए हैं। यूपी के आजमगढ़ में कब्र को लेकर दो गुटों में हिंसक झड़प में करीब 36 लोग जख्मी हो गए। एक परिवार अपने बुजुर्ग की कब्र को पक्का करने गया था, तभी दूसरे पक्ष ने कब्र की जमीन पर अपना दावा करते हुए उन्हें रोक दिया। कब्र को लेकर हुई कहासुनी हिंसक झड़प में बदल गई और दोनों पक्ष एक दूसरे पर ईंट पत्थर फेंकने लगे। झड़प में कई महिलाएं भी जख्मी हुई हैं। आरोपियों को गिरफ्तार कर पुलिस मामले की जांच कर रही है। मध्य प्रदेश के सागर में फायरिंग रेंज में ट्रेनिंग के दौरान धमाका हो गया। डेटोनेटर लगाने के दौरान यह धमाका हुआ। धमाके में एक शख्स की मौत हो गई और एक शख्स जख्मी हो गया। बिहार के आरा में एक दरोगा घूस की रकम लौटाते हुए कैमरे में कैद हो गए। आरा के दरोगा अस्पताल में आए मरीजों से केस दर्ज करने की एवज में घूस वसूलते थे। पीड़ित ने स्थानीय नेताओं को घूस की बात बताई तो नेताओं के दबाव में दरोगा को घूस के पैसे लौटाने पड़े। मध्य प्रदेश के गुना में बिना हेलमेट पहने स्कूटी चला रही लड़कियों का चालान करने पर लड़की के घर वालों ने पुलिस वालों को पीट दिया। हमले में कांस्टेबल आशुतोष तिवारी बुरी तरह जख्मी हो गए। पुलिस ने इस मामले में राहुल रघुवंशी और दीपक रघुवंशी नाम के दो युवकों को गिरफ्तार किया है। ये दोनों बीजेपी जिला अध्यक्ष शोभा राजीव रघुवंशी के रिश्तेदार बताए जाते हैं। खड़गपुर में 22 साल के छात्र ने हॉस्टल के कमरे में खुदकुशी कर ली। मृतक आईआईटी खड़गपुर में इंजीनियरिंग का फोर्थ ईयर का छात्र था। छात्र केरल का रहने वाला था। पुलिस ने हॉस्टल के कमरे से छात्र का शव बरामद किया है। गुजरात लायंस ने कोलकाता को 4 रन से हराकर आईपीएल सीजन 10 में दूसरी जीत हासिल कर ली है। कोलकाता नाइट राइडर्स ने पहले बल्लेबाजी करते हुए गुजरात को 188 रनों का लक्ष्य दिया। रैना की शानदार पारी की बदौलत गुजरात ने 10 गेंद शेष रहते हुए मैच अपने नाम कर लिया। गुजरात के सुरेश रैना ने कप्तानी पारी खेलकर अपनी टीम को जीत दिलाई। कप्तान सुरेश रैना ने 46 गेंदों में ताबड़तोड़ 84 रन बनाए। रैना ने अपनी इस पारी में 9 चौके जड़े और 4 छक्के लगाए। शानदार पारी के लिए रैना को मैन ऑफ द मैच चुना गया। मैकलम ने 17 गेंदों में शानदार 33 रन बनाए। मैकलम ने अपनी पारी में 5 चौके जड़े 1 छक्का लगाया। फिंच ने 15 गेंदों में 4 चौके और 2 छक्के लगाकर 31 रन बनाए। जडेजा ने नाबाद 19 रन बनाए। केकेआर के ओपनर सुनील नरीन ने तूफानी पारी खेलकर आईपीएल में एक नया रिकॉर्ड बना दिया। नरीन ने केवल 17 गेंदों में ताबड़तोड़ 42 रन बनाए। सुनील नरीन ने अपनी पारी में सारे रन चौके छक्के लगाकर बनाए। नरीन ने 9 चौके और 1 छक्का लगाकर 42 रन बनाए। अपनी इस पारी में नरीन ने एक भी रन दौड़कर नहीं लिया। कोलकाता नाइट राइडर्स की ओर से सबसे बड़ी पारी विकेटकीपर रॉबिन उथप्पा ने खेली। रॉबिन उथप्पा ने 48 गेंदों में 72 रन बनाए। उथप्पा ने अपनी पारी में 8 चौके जड़े और 2 छक्के लगाए। कप्तान गंभीर ने 2 चौके और 1 छक्का लगाकर 28 गेंदों में 33 रन बनाए। कोलकाता के गेंदबाज कॉल्टर नाइल ने 2 विकेट झटके। चाइनामैन गेंदबाज कुलदीप यादव ने भी 2 विकेट लिए। वॉक्स और उमेश यादव ने 1-1 विकेट लिया। गुजरात की ओर से रैना ने सबसे कम रन खर्च कर सबसे अहम विकेट झटका। रैना ने तूफानी बल्लेबाजी कर रहे सुनील नरेन को पवेलियन भेजा। प्रवीण कुमार, फॉकनर और थम्पी ने 1-1 विकेट लिए। अंक तालिका में टॉप पर मुंबई इंडियंस बनी हुई है। कोलकाता नाइट राइडर्स दूसरे पायदान पर है, वहीं दूसरी जीत हासिल कर गुजरात लायंस एक पायदान ऊपर 7वें पायदान पर पहुंच गई है। अंक तालिका में पुणे की टीम सबसे नीचे है। आईपीएल में आज 2 मुकाबलों के साथ डबल रोमांच देखने को मिलेगा। शाम 4 बजे से होगा पुणे और हैदराबाद का मुकाबला। रात 8 बजे से मुंबई इंडियंस और दिल्ली डेयरडेविल्स का मुकाबला खेला जाएगा। गाजियाबाद के वसुंधरा में स्कूलों की मनमानी के खिलाफ अभिभावकों ने कैंडल मार्च निकाला। 16 अलग अलग स्कूलों में पढ़ने वाले बच्चों के अभिभावक सड़क पर उतर आए और फीस पर स्कूलों की मनमानी के खिलाफ प्रदर्शन किया। निजी स्कूलों की मनमानी के विरोध में लुधियाना में भी लोग सड़क पर उतर आए और जमकर प्रदर्शन किया। फीस बढ़ाने के विरोध में अभिभावकों ने घंटों हाईवे जाम कर दिया।
पाकिस्तानी कबूतर ने पंजाब के गुरदासपुर में थाना कलानौर पुलिस की नींद उड़ा दी है। इस कबूतर के पैर में लाल रंग का एक छल्ला दिखाई दिया जिस पर उर्दू में गुट्टू बिट लिखा हुआ है और साथ में फोन नंबर लिखा है। पाकिस्तानी कबूतरों का गुरदासपुर के सीमाई इलाके में मिलने का पहला मामला नहीं है। इससे पहले भी गुरदासपुर में हिंदुस्तान पाकिस्तान की सीमा के पास बमियाल दीनानगर में ऐसे कबूतर मिल चुके हैं।